दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। इस वक्त आपको बता दूं कि निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव, मायावती जी लगातार हमला करती हुई नजर आ रही हैं, और खासकर केशव प्रसाद मौर्य ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है पल्लवी पटेल हों, चाहे अखिलेश यादव हों, राम गोपाल यादव हों, शिवपाल सिंह यादव तो ये तक बोल दिया कि अब आंदोलन होगा। आरक्षण के ऊपर अगर थोड़ा सा भी आँच आई तो आंदोलन पिछड़ा समाज पूरा करेगा एक मुश्त होके। तो ये जो चीज़ें निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बहुत बड़ा जो है एक गोल सेट हो रहा है। इसके थ्रू मैं आपको बता दूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से, कि भारतीय जनता पार्टी इस जो सुनवाई में है वकील के थ्रू, सरकारी वकील के थ्रू अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखने की वजह से ओबीसी आरक्षण के ऊपर डंक निकाय चुनाव में मारा गया है। और उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव ने बोला कि आज पिछड़ों के आरक्षण के ऊपर खेल हो रहा है, कल दलित आरक्षण के ऊपर खेल होगा। तो दलित और जो कि पिछड़े समाज के लोग मिलकर सपा का साथ दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो है घड़ियाली आंसू ऐसे बहाती रहेगी और आरक्षण को ख़त्म कर देगी। इसी तरह से रामगोपाल यादव ने कहा कि जो कि केशव प्रसाद मौर्य को कहा कि जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में मुंह नहीं खोल रहे हैं, डर रहे हैं कि मैं पिछड़े समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी ली, अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो भारतीय जनता पार्टी मुझे जो कि बाहर कर देगी, रास्ता बाहर का दिखा देगी। तो ये जो लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार ट्रोल हो रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिस तरह से पल्लवी पटेल उन्होंने ट्रोल किया, लगातार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात हो रही है विपक्ष की तरफ से, मायावती जी ने भी इसी तरह ट्रोल करते मायावती जी भी लगातार जो कि केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला करती हुई नजर आई कि अगर आप पिछड़ों दलितों के वोट ले गए तो इनके ऊपर डाका क्यों डाल रहे हो। तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है आगे आगे जो होगा। लेकिन एक चीज़ तो सेट हो गई है कि 2024 के लिए जो दंगल मैं बोल रहा था कि इसी तरह से दंगल होगा, पिछड़ा समाज एकमुश्त होते हुए नज़र आ रहा, वही होते हुए अब नज़र आ रहा, क्योंकि अब मुझे पता समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी से, पूरी तरह से एकदम साफ है, एकदम क्लियर हो गया। तो अब जो पिछड़ा समाज है वो उनकी जो रुझान है एकमुश्त होके जो समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रही है, मैं पहले ही वीडियो में लगातार बता रहा था कि अब का जो टारगेट अखिलेश यादव का होगा वो बहुत सेटिंग के साथ होगा और बहुत ही तरीके वाइज, सिलसिले वाइज रहेगा और वो होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर मिलेंगे वीडियो में, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक।